दे हैव क्वेश्चन कि तुम जैम बनाओगे, जेली बनाओगे, चटनी बनाओगे, कौन खरीदेगा? क्योंकि नौगांव काफ़ी दूरस्थ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें बाज़ार पे डिपेंड होना पड़ता होगा जी। तो उसमें कॉस्टिंग का कैसा रहता है, यहाँ से वहाँ तक चीज़ें पहुँचाना? आप जयपुर जाइए, आपको बाटिक मिलेगा। आप गुजरात जाइए, आपको कच्छ का सामान मिलेगा। आपको क्लॉथ मिलेगा अहमदाबाद में, लेकिन आप उत्तराखंड आइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेल को भी करेज की ज़रूरत होती है, तो ये कभी नहीं होना चाहिए कि अच्छा बताओ इनके दिमाग में फितूर भरा पड़ा है। क्या पता किसी का फितूर किसी के लिए बहुत बड़ा एडवेंचर हो। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और एक बार फिर से मुखातिब हूँ आप लोगों के सामने अपने शो के माध्यम से। आज मैं एक युवा महिला को आपके सामने लेकर आई हूँ, और इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं बातें होती हैं कि महिलाएं जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं हैं, और दूसरी बात होती है कि हमारा युवा जो पहाड़ का है वो पलायन कर रहा है। तो इन दोनों का एक उदाहरण, जो अपने पहाड़ में भी है और युवा भी है, इसकी एक मिसाल है। और मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे एक पौड़ी, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक छोटे से गांव से पढ़ी, जिसकी इनिशियल एजुकेशन जो है वो पौड़ी के भेटी गांव में हुई है। उसके बाद देहरादून आना हुआ, यहाँ पर अच्छी स्टूडेंट की तरह पढ़ाई लिखाई सब की, मास्कॉम में उनका पीजी है। देन आफ्टर शादी हुई, जैसा कि हर लड़की के साथ होता है, और उसके बाद वापस गाँव का माहौल मिला उत्तरकाशी के नौगांव में। वहाँ पर जाकर अपना स्टार्टअप शुरू किया युवा हिमालय के नाम से, और वहाँ पर भी प्रकृति के नज़दीक रहते हुए जो युवाओं को क्या कर सकते हैं, हम उत्तराखंड में क्या कर सकते हैं, इसकी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और आइए जानते हैं उन्हीं के माध्यम से। तो मिलते हैं ऋचा डोभाल जी से, जो कि युवा हिमालय के एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत यंग हैं, और आपको बहुत अच्छा लगने वाला आज उनसे मिलके। तो ऋचा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो। नमस्ते मैम, थैंक यू। तो थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताएं, ताकि देखने वालों को समझ आए कि आप कहाँ हैं और क्या आपकी जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा बताएं। मैं शुरू करूँगी अपनी एजुकेशन से, अपने बैकग्राउंड से। मेरे माँ और मेरे पापा दोनों, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली, सब लोग एजुकेशन में हैं, सारे के सारे टीचर थे। तो मेरा बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था, हमें पढ़ाई के लिए काफ़ी पुश भी मिलता था, और भले ही पढ़ाई जहाँ जहाँ मम्मी पापा की पोस्टिंग हुई, तो हम गांव में रह के ही पढ़े हैं, सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। और लगभग मेरी 10th तक की पढ़ाई जो है वो बॉडी में, एक कस्बा है छोटा सा भेटी, तो उसके आसपास हुई है। 10th के बाद मैं देहरादून आई, देहरादून से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है MKP से, BSc किया, उसके बाद मास्कॉम के लिए शांतिगंज गए, एंड मास्कॉम करने के बाद उस फील्ड में आगे आई। तो जॉब के ड्यूरेशन में और पढ़ाई के समय मैंने एक शब्द सुना था, वो था कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप, और मुझे ये बहुत मतलब फेक वर्ड लगता था कि जो बिजनेसमैन होता है वो अपना प्रॉफिट देखता है, कम्युनिटी जो होती है वो सिर्फ NGO देखता है। और जो मेरा एक्सपीरियंस था जो अपनी जॉब ड्यूरेशन में, वो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि NGOs या SHGs काम करते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो हटते हैं तो SHGs खुद को नहीं सस्टेन कर पाते। तो वो एक रहता था कि ऐसा क्या रीज़न है कि आज तक कहीं भी हम जर्नी शुरू तो करते हैं, थोड़ा चलते भी हैं, बट उसका एंड क्यों हो जाता है, वो ख़त्म क्यों हो जाती है। तो एक थ्रेड था, मुझे वापस किसी तरह से अपने एजुकेशन, अपने नॉलेज को यूज़ करके अपनी कम्युनिटी के पास वापस जाना है। एंड इसी ड्यूरेशन में UPSC की तैयारी कर रही थी, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ जो सिस्टम में थे, जो काम कर रहे थे, और उनसे जो नॉलेज शेयरिंग हुई, फिर लगा कि नहीं, सिस्टम में जाने से ज़्यादा अच्छा है कि अपना काम चाहे छोटा हो पर शुरू करा जाए। अब बहुत समय और एनर्जी वहाँ देने की ज़रूरत, शायद मुझे तो बेनिफिट कर जाए लेकिन उतना लंबा और जगह नहीं कर पाएगी। तो वो क्विट करके 2016 में मैंने जब शादी हुई, तो उत्तरकाशी में नौगांव बाज़ार है यमुनोत्री के पास, तो हम वहाँ शिफ्ट हुए। एंड वहाँ पे मेरे हस्बैंड योगेश बिधानी जी, 2014 में हमारा जो फर्स्ट सेटअप शुरू हमने किया था युवा हिमालय का, दैट वाज कि उनका थॉट था, वो उससे पहले डेवलपमेंट सेक्टर में थे और बहुत सारे NGOs के साथ अपनी कम्युनिटी में काम कर चुके थे, तो उन्हें अपने रिसोर्सेज का आइडिया था, उन्हें कम्युनिटीज़ का आइडिया था, और उनके भी दिमाग में एक चीज़ चलती थी कि हम पहाड़ों में बेचते हैं सामान,
बाहर से सामान लाके बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, एटलीस्ट नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, फिर हम इनको यूज़ क्यों नहीं करते हैं? और मेरा आइडिया था कि हम कम्युनिटी के साथ कैसे काम करें, स्पेसिफिकली वुमेन सेंट्रिक, क्योंकि महिलाएं किसी परिवार की रीढ़ होती हैं। जैसे कहा जाता है कि एक महिला को शिक्षित कीजिए, वो आगे 10 लोगों को शिक्षित करती है। सेम वे अगर आप एक महिला को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करते हैं, तो वो धीरे धीरे उनके कॉन्फिडेंस उनकी फैमिली में, उनके बच्चों तक जाता है। और जो हमारी बच्चों में एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि हमें जॉब के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है, पहाड़ों में इतनी चीज़ें हमारे पास होती नहीं हैं, तो हमें लगा कि ये आइडिया दोनों चीज़ों का आंसर हो सकता है। हम पहाड़ों में बनाते क्यों नहीं हैं और कम्युनिटी को किस तरह से इंगेज करें। तो इस तरह से युवा हिमालय की शुरुआत हुई और वो नेम युवा हिमालय भी इसीलिए रखा गया है, हिमालय का युवा और हिमालय के रिसोर्सेज दोनों को किस तरह से हम यूज़ करें और तब अपनी जो हम कम्युनिटी की बात करते हैं उसको किस तरह से आगे बढ़ने में मदद करें। तो उस समय आइडिया नहीं था कि हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किधर जाएंगे, बट उनका खाने में इंटरेस्ट था तो ही स्टार्टेड कि उन्होंने सोचा जो मैं बनाता हूँ और हम खाना इंजॉय करते हैं, तो जो लोग जैसे जूस गर्मियों में काफ़ी बिकता है, तो उन्हें लगा कि एक बार ये ट्राई करके देखता हूँ। और घर पे पहला स्क्वैश जो बनाया था वो 183 रुपये में घर के ही नींबू से बना के घर वालों को ही बेचा था। अच्छा। तो 183 रुपये का इन्वेस्टमेंट और 500 का 5 लीटर जब बेचा तो लगा कि ये बिज़नेस का बहुत सही आइडिया है, बहुत कम रिसोर्सेज में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। और फिर किचन से शुरुआत होते होते हमने 2018 में अपनी एक फैक्ट्री शुरू की, वहाँ पे इसको कमर्शियल सेटअप में लाए, 3 महिलाओं के साथ शुरू हुई थी। आज हम 10 साल बाद 30 महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं जो रेगुलरली हमारे साथ काम कर रही हैं, और लगभग आसपास के 15 गांव के 450 से 500 लोग ऑन एंड ऑफ हमारे साथ इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिनसे हम क्रॉप्स परचेज भी करते हैं, जिनसे हम अपना रॉ मटेरियल लेते हैं और उसी रॉ मटेरियल से अपने फिनिश गुड्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि नौगांव काफ़ी दूरस्थ है जी, तो ठीक है आपको वहाँ पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज तो इजीली अवेलेबल हो जाते होंगे, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें बाज़ार पे डिपेंड होना पड़ता होगा जी। तो उसमें कॉस्टिंग का कैसा रहता है, यहाँ से वहाँ तक चीज़ें पहुँचाना या सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं आप? मैम ये काफ़ी सही बात है और इसी की वजह से शायद पहाड़ों में कोई बिज़नेस की तरफ आता नहीं है। जो हम कहते हैं कि पहाड़ी कम्युनिटी ओरिएंटेड होती है, सर्विस ओरिएंटेड, तो वो रीज़न ही यही है क्योंकि वहाँ काम करना मुश्किल है, वाकई मुश्किल। आप यहाँ से रॉ मटेरियल जब ले जाते हैं उसकी कॉस्ट कई गुना बढ़ती है जब वो पहाड़ तक डिलीवर होता है, क्योंकि आपको 2-way चार्जेस पे करने हैं। यही अगर आप यहाँ आसपास सिटी में करते हैं या फिर किसी हब में करते हैं तो वो आपके लिए कई सारी फैसिलिटीज़ आपके सब्सिडीज़ में भी होती हैं और इजीली अवेलेबिलिटी भी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि चैलेंजेस हमारे पास सिर्फ ऑब्स्टेकल ही नहीं होते, अपॉर्चुनिटी भी होते हैं। अगर चैलेंजेस को देख के आप रुकेंगे तो फिर ग्रो करना मुश्किल है, आपको चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी बनाना पड़ेगा। यही एक थॉट चेंज करता है आपकी पूरी यात्रा को, आप किस तरह से चलेंगे और कहाँ पहुँचेंगे वो उस पर है। आपको चढ़ाई तो चढ़नी है, अब आप या तो पहले देख के थक जाइए कि इतना चढ़ना है, चढ़ना तो आपको जाना जहाँ है पहुँचने के लिए चढ़ना ही है, दूसरा है कि आप ये सोचिए कि अच्छा इसे कितनी जल्दी ख़त्म कर लें फिर रेस्ट हो सकता है, तो वो माइंडसेट चेंज करने होते हैं। और हाँ, वहाँ पे पहले लोगों को लाना मुश्किल था, लेडीज़ घर से बाहर नहीं आना चाहती हैं या फिर घर वालों को लगता है कि बताओ अब अपने खेतों का काम छोड़ के अब दूसरों के यहाँ बर्तन धोएंगे, अब लेकिन जब फैक्ट्री का काम होगा तो बर्तन धोने पड़ेंगे। तो उस स्थिति में मैं और मेरे हस्बैंड हमने कभी उसको इस तरह से लिया ही नहीं कि ये हमारा काम है, हमने लिया ही ऐसा ये सबका काम है। तो बर्तन अगर धुल रहे हैं तो मैं भी धुल रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी धुल रहे हैं, मेरी सास भी धुल रही। सो दैट वाज अ थिंग कि हमने कभी वो मैनिफेस्ट ही नहीं किया कि हमने किसी को काम पे रखा है, इनफैक्ट हमने उस चीज़ को इलेबरेट किया कि आप आइए, अगर आप हमें सहायता कर सकते हैं आप आइए। इस तरह से पहले लोगों ने एक गुडविल में करना शुरू किया कि चलिए आप काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ काम करते हैं। और जब उसको बढ़ते हुए देखते हैं तो कोई भी चीज़ अगर बढ़ती है फिर आप उसके इम्पैक्ट को फील करते हैं, फिर 3 के हम किसी तरह 10, 10 के 15 और इस तरह से। और कोविड एक मतलब जो सबके लिए काफ़ी ख़राब टाइम्स थे और कई सारे बिजनेसेस उसमें डूबे हैं, वो एक ऐसा टाइम रहा जब हम कम्युनिटी को ये समझाने में सफल रहे कि ये काम क्यों ज़रूरी है। उस समय जब सब बाहर के काम छोड़ के अपने गांव में आके खाली बैठे, तब वो टाइम था जब, क्योंकि बाहर से सब्जियां भी नहीं आ रही थी,
और सब्जियाँ ज़रूरी भी हैं, तो हमने लोकल जितने जंगल की चीज़ें थी, क्योंकि उनको लेके आपका कोई डाउट ही नहीं था कि इनसे कोई संक्रमण हो सकता है। फिर पूरी कम्युनिटी हमारे साथ जुटी, उनको हमने प्रोसेस किया, पिकल्स में आए और हमारे अचार जो साल भर में सारे 2-3 तरह के अचार मिला के 2000 किलो बनते थे, कोविड में वो हमारी क्षमता बढ़ी और हम 30,000 किलो का बाउंस लेके आगे आए। और कम्युनिटी को हमने सब्जी का एक अल्टरनेट दिया, वो एक पॉइंट था जहाँ पे टर्निंग आई और जहाँ पे कम्युनिटी ने अब इसको एक एंटरप्राइज की तरह लेना शुरू किया। इनिशियली हम लोग को काफ़ी सुनना पड़ता था कि हाँ ये चीज़ें सक्सेस नहीं होंगी, बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया है चला के, बहुत बड़े बड़े लोगों ने कर दिया है, आप कैसे चलाओगे, आपके पास ना पैसा है ना एक्सपर्टीज़ है, आप कैसे चलाओगे। तो वहाँ पे ये कम्युनिटी का जो एक स्ट्रेंथ होती है साथ रहने की, लोग साथ जुड़े हैं और हम उनको चीज़ें दे रहे हैं, वो अपने सामने बनते हुए देख रहे हैं, वो वहाँ पे काफ़ी मैनिफेस्ट हुआ, वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे लोगों को समझ में आया। और उस दिन से हम भी इस चीज़ पे ट्रस्ट कर पाए कि एज एन एंटरप्राइज बढ़ा जा सकता है। ये तो थी जो मैंने चैलेंजेस की बात की, कुछ ऐसी चीज़ें भी वहाँ पर रही होंगी जो आपको लगा होगा कि बहुत अच्छा किया कि हमने यहाँ पर ये चीज़ स्टार्ट की, तो वो फ़ायदे वो बेनिफिट्स क्या थे थोड़ा सा अगर आप बताएं। मैम बेनिफिट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने घर पे थे, मुझे अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ा। जब मैं जॉब करती थी या जब मैं मतलब शादी के बाद भी मैंने मतलब मेरे हस्बैंड ने और हमने एक ट्रूस की तरह किया कि वो फैक्ट्री शुरू कर रहे थे और फिलहाल फाइनेंशियल को संभालने के लिए मैं डेवलपमेंट सेक्टर में जॉब कर रही थी। आई वॉज वर्किंग विद सम इंटरनेशनल NGOs, काफ़ी अच्छा पेइंग जॉब था, लेकिन फिर वो चीज़ थी कि जब आपका कॉल आता है ना तो आपको अपनी फैमिली साइड करनी पड़ती है। लेकिन जब हम अपने एंटरप्राइज में हैं, अपने काम में हैं, तो चाहे एक्स्ट्रा टाइम देना है चाहे कुछ भी है, मैं अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करूँ ज़रूरी नहीं। मेरे बच्चे अपनी दादी के पास थे या कभी वो उनको लेके हम फैक्ट्री में आते हैं तो फैक्ट्री के सारे लोगों के साथ वो घुले मिले, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वाली लेडीज़ हमारी अपनी ही लेडीज़ हैं, अपने ही गाँव की हैं, कोई मामी हैं, चाची हैं, ताई हैं, बुआ हैं, दीदी हैं, ननद हैं। तो वो एक जो हेजिटेशन होता है ना महिलाओं के लिए घर से निकलने का, जब आपकी बहू वहाँ पे काम कर रही है और आप वहाँ पे देख रहे हैं कि ठीक है ये काम कर रहे हैं हम भी चलते हैं, मैं अगर अपनी ननद को आगे ला रही हूँ तो उसकी वो हेजिटेशन जो एक महिला को डिसीजन लेने में रोक लेती है कई बार कि नहीं नहीं ये काम ठीक नहीं है, घर वालों से पूछ लूँ, जब वो एक अर्निंग सेटअप पे आ गए हैं कि आपको मंथली 6,000 से 8,000 रुपये पे मिल रहा है और आपके कोई काम डिस्टर्ब नहीं हुए, आप 9 बजे तक अपने खेत में रहते हैं और नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारी जो फैक्ट्री है वो हमारी छानी के पास है, छानी जो पशुओं की शाला होती है वो लगभग गांव के पास ही एक एरिया होता है, उसके आसपास खेती होती है। तो लोगों का क्या रहता था कि 9 बजे तक लेडीज़ खेत में आती थी, 9 बजे धूप होती है, वापस गाँव जाएंगी, फिर 5 बजे उन्हीं खेतों में आएंगी, तो उनका जो 9 से 5 का टाइम था वो फैक्ट्री में मैनेज होने लगा। एंड दे टुक इट इन अ गुड वे कि मतलब अब हमें ना वो वापस गांव जाके और वापस आने वाला झंझट नहीं होता, प्लस पैसा भी आता है। अपनी खेती तो एज इट इज़ चल ही रही है, ये 5,000 रुपये 8,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो फिर घर वाले भी कॉपरेट करते हैं। फिर जब आपके हाथ में मतलब एक बहुत सही चीज़ है एजुकेशन के साथ साथ इंडिपेंडेंस, जो आपका मतलब आज़ादी नहीं है लेकिन उसको अपने डिसीजन खुद लेने की जो क्षमता है वो जब आती है वो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ाती है और वो फैमिली को बहुत इफ़ेक्ट करती है इन अ गुड वे। मतलब अगर महिला सक्षम है शादी से पहले या शादी के बाद, दोनों ही स्थिति में वो अपने आगे बहुत अच्छे से फैमिली लाइफ को कैरी ऑन कर सकती है। बच्चों के लिए एक बच्चे अपनी माँ से बहुत क्लोज होते हैं एंड मतलब हमारा वहाँ पे फैक्ट्री का ओपन रहता है सेटअप, कोई भी आके देख सकता है, तो हम चाहते हैं वहाँ आने जाने वाले स्कूल के जितने बच्चे हैं वो अब जानते हैं कि वहाँ पे एक फैक्ट्री है और वहाँ पे काम होता है। तो आज से 5 साल 10 साल बाद जब वो निकलेंगे, मे बी किसी एक के दिमाग में कोई आइडिया इग्नाइट हो और वो हमसे बड़ा काम कर दे, तो वी वॉन्ट टू सी इट इन दैट वे। और अभी ऐसा हुआ भी है, अभी हमारे साथ ही कुछ नए उद्यम और खुल रहे हैं वहाँ पर, और जो पहले छानी वाला एरिया था मतलब एक रोड जा रही है एक लाइन जा रही है, अभी वहाँ पे वाटर सप्लाई प्रॉपर आ गया है, अभी वहाँ पे 9 kV की हमारी लाइन आई है, तो उसके साथ लाइट का भी अच्छा चल रहा है, जो लाइनें कई सालों से टूटी हुई थी उस पर काम हो रहा है। तो इन फ्यूचर मतलब काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, अब रिहाइश वहाँ पे होने लगी है तो एक ये इम्पैक्ट दिखता है। अब जो हमारे साथ काम करने वाली महिलाएं हैं उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी अलग अलग, एज तो है, एज में 20 से लेके 65 ईयर्स तक की है,
एजुकेशन भी अलग है, कोई बिल्कुल अनपढ़ है, कोई नाम लिख सकते हैं, कोई सिर्फ साक्षर है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। लेकिन आज की डेट में हम जितने भी हमारा मशीन ऑपरेशन है वो उनके हाथ में है, वो उसको बहुत स्मूथली रन करती है। तो टेक्निकल फ्रेंडली होना, टेक्नोलॉजी से उनको फ्रेंडली करना, ये भी एक एस्पेक्ट रहा है और इसमें हम काफ़ी हद तक सक्सेस भी हुए हैं। एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात पूछी थी कि यहाँ से मतलब रॉ मटेरियल को वहाँ तक पहुँचाना जो चैलेंजेस थे, उसी के वाइस वर्सा एक और चीज़ है, जब आपने प्रोडक्ट बना लिया तो फिर आप मार्केटिंग में कैसे देखते हो? क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है इतना वृहद मार्केट आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज़ है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अगर कोई उतनी दूर से चलकर यहाँ आता है मार्केट में, आप देहरादून समझ लीजिए, ऋषिकेश है या कोई भी बड़ा मार्केट है, तो वहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं फ्रेट एड ऑन होगा तो कॉस्टिंग में आएगा, तो इसको कैसे देखती हैं आप? मैम ये तो दोनों तरफ काम करता है कि अगर यहाँ से भी प्रोडक्ट वहाँ जाता है तो फ्रेट तो उसका भी है, और फिर थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा। आप जो अभी हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो कई बार लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि आप बहुत कॉस्टली इस चीज़ को दे रहे हो, जबकि कॉस्टली नहीं होती है। फिर हम जब कंपेयर करते हैं वहाँ पे, जब हम शुरू में काम करते थे, क्योंकि आप लेबलिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग पे काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर एक प्रोसेसिंग के थ्रू काम कर रहे हैं, मतलब एक तो काम होता है आपने सीजनल करना है, 3 महीने करना है, फिर उसके बाद कोई गारंटी वारंटी नहीं है प्रोग्राम की। एक ये है कि हमारा प्रोडक्ट हम इंश्योर करते हैं वो सारे FSSAI के स्टैंडर्ड्स जितने हैं सबको फॉलो करें, और हमारे प्रोडक्ट यहाँ से लेके और साउथ इंडिया में पुणे, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट इंडिया, गुजरात सब जगह डिलीवर होता है। तो वो जो मेंटेन करना होता है डेफिनेटली वो कॉस्ट अप करता है, लेकिन जब आपकी क्वालिटी होती है ना तो फिर लोग पे करते हैं। और जो ये बात है कि मार्केट, हाँ पहाड़ों में परचेसिंग कैपेसिटी कम है, परचेसिंग कैपेसिटी कम है, तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने शुरू से कहा कि जो मैंने इनिशिएट किया था तो यही किया था कि देहरादून में किस तरह से प्रोडक्ट पुश हो उसको देखते थे। तो हम काफ़ी हद तक माउथ ऑफ वर्ड्स, हमारा जो कस्टमर है वही हमारे लिए एक चैनल का काम करता है, और मेरे बिजनेस का 50% कस्टमर ओरिएंटेड ही रहा है। मतलब वी हैव बीन लकी इन दैट वे कि कस्टमर ने हमारे मार्केटिंग की है, एंड आज भी अब हम जैसे हैं तो मेरा सप्लाई स्टोर देहरादून में भी है, हम एक चैनल वहाँ पे लोकली सोर्स करता है और एक चैनल देहरादून से सप्लाई देखता है आपका दिल्ली, हल्द्वानी या जो भी आपके पार्सल्स जा रहे हैं उनको कैरी करने के लिए। ये तो थी आपके बिज़नेस से रिलेटेड बात। थोड़ा सा इसको चेंज करके मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन आपकी रही है और आपका कहना भी था, तो जब आपने सोचा कि भाई आपको मतलब आप कहाँ तो UPSC की तैयारी कर रही हो और कहाँ फिर आप जैम जेली और अचार पर आ गई, जूस पर आ गई, तो एक बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज था सोच का, थॉट प्रोसेस का, तो आपका तो क्योंकि था एंटरप्रेन्योरशिप में जाने का, तो बट जो समाज था हमारा वो थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा वो कैसे देखता था इस बात को और कैसे पहले तो किसी मेल का भी जॉब क्विट करके और कोई रिस्की काम शुरू करना क्वेश्चनेबल होता है, फिर किसी फीमेल का पहले पढ़ाई करना क्वेश्चनेबल होता है और फिर पढ़ाई करके छोड़ के बेसिक से शुरू करना, इट कॉजेज मल्टीपल सीरीज ऑफ क्वेश्चन। लेकिन जैसे मैंने बताया, मैं शुरू से मतलब फोकस माइंडेड रही हूँ, इफ़ आई हैड टू डू समथिंग तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलती हूँ, और इसलिए मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे, पेरेंट्स ने एजुकेशन से लेके शुरू लास्ट तक अभी तक किसी भी डिसीजन पर कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं, बस वो एक चीज़ कन्फर्म कर लेते हैं, वट एवर यू आर थिंकिंग यू आर एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सिक्वेंसेज, आप जो भी कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो होंगे जिम्मेदार हो, ले सकते हो फिर बढ़ो। तो ये हमारी बचपन से कंडीशनिंग थी, तो इट वॉज़ नॉट लाइक कि मैं इतना पढ़ने के बाद और फिर गाँव में शादी की, वो मेरा वेल थॉटेड आइडिया था मुझे क्यों करनी है, तो मैंने कभी किसी को क्लियर करने की कोशिश नहीं की। जो क्वेश्चंस आते थे, हाँ बुरा भी लगता है, ऐसा नहीं है कि वी आर सेंट और बहुत अच्छा से कॉप अप कर लिया, ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेरी माँ की एक सीख है कि आप अगर कर रहे हो तो आपका काम आंसर करेगा, आप आंसर करोगे तो उतना अच्छा नहीं कर सकते हो जितना समय देगा। तो मैंने वो चीज़ें टाइम पर छोड़ी एंड आई लेट इट गो कि चलो ठीक है, अगर उनको समझ नहीं आता ये उनका पर्सपेक्टिव है एंड आई रिस्पेक्ट दैट टू। मतलब हम अगर एक काम माइंड के साथ चलना चाहते हैं तो हमें एक चीज़ आनी चाहिए, एग्री टू डिसएग्री। किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे ओके होना चाहिए कि उसे नहीं समझ में आ रही है, तो मेरे पास दो ही चॉइसेस हैं, या फिर मैं उसको समझाने के पीछे लग जाऊँ जो आपकी एनर्जी खा जाएगा, और एक है कि मैं अपना काम करूँ तो
विद द टाइम उसको समझ में आएगा. तो आई डील इन दैट वे कि ठीक है जितने क्वेश्चन हैं ठीक है अब थोड़े से संभाल के रखिए, 2-4 साल फिर आपको आंसर मिलने शुरू होते हैं. एंड नाउ आई फील वेरी हैप्पी कि वही लोग आके कहते हैं कि यार मतलब शुरू में ना हमें लगता था कि इसने क्या कर दिया ये अपने साथ, बट अब लगता है कि नहीं ठीक किया जो भी किया. जैसे नौगांव तो बड़ी खूबसूरत जगह है, यमुना वैली में है, तो वहाँ पे जाके आपने जो प्रोडक्ट शुरू किया, थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट्स का बताइए, आप क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बनाती हैं और क्या प्रेफरेंस मिलती है आपको, कौन से प्रोडक्ट आपके बहुत पसंद किए जाते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में. मैम बेसिकली अभी तो हमारे स्क्वैशेस चलते हैं, चटनी जैम और पिकल्स, तीन हम मेन वैरायटी ऑफ कंटेंट में आते हैं. हमारे जो स्क्वैशेस होते हैं वो मैक्सिमम लोकली सोर्स बनते हैं, जैसे ब्रांच का स्क्वैश हो गया आपका, ये पुदीना है, माल्टा है, लेमन, हिमालयन लेमन. एक मतलब हमारा एक फोकस और भी होता है जो फॉरगॉटन चीज़ें हैं जिनको हम भूल गए या फिर जिनका हम यूटिलाइज ज़्यादा नहीं कर पाते. एक्चुअली आपको बिजनेस प्रॉफिटेबल कब होगा, जब आप अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम एंड बेटर यूज़ जानते हो. जो चीज़ हमारी एकदम स्टेल है, ख़त्म हो रही है और उसकी क्वालिटी बहुत अप है, मतलब दोनों ही चीज़ें ख़त्म हो इसलिए हो रही है क्योंकि हम उसका यूज़ नहीं जानते हैं, लेकिन क्वालिटी उसकी बहुत अप है. तो ऐसे प्रोडक्ट में एक हमारा पहाड़ी नींबू आता है, हिमालयन लेमन, बड़ा नींबू, उसको हम खटाई के सिवा शायद ही कोई यूज़ करता हो उसका. तो हमने उसका स्क्वैश में फॉर्म किया, उसको पिकल में फॉर्म किया और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म में, उसमें बिटरनेस बिल्कुल नहीं होती, जैसे कागजी नींबू की बिटरनेस होती है वो नहीं होती. प्लस अगर हम कागजी नींबू में काम करते तो हमें आउटसोर्स करना पड़ता, वो लोकल नींबू लोकल मिल जाता है. माल्टा है, माल्टा हम सारा लोकल ले लेते हैं. ब्रांच हमारे यहाँ बहुत होता है. पुदीना है, जो सेब के बगीचे हैं वहाँ काफ़ी पुदीना की क्रॉप होती है, जो मतलब सेब की तलहटी में होती है, तो वो थोड़ा बहुत चटनी में जितना यूज़ हुआ होता था, बाकी वेस्ट जाता था, अब हम उसको भी यूज़ कर रहे हैं. तो वैल्यू एडिशन ऑफ थिंग्स जिनका कोई प्राइस नहीं है, एज इन आप पुदीना लेंगे तो पुदीना 2-3 महीने चलता है, लेकिन जब आप उसका पल्पलाइजेशन करके उसका स्क्वैश बना रहे हैं तो वो कई गुना उसकी कीमत बढ़ जाती है, कम से कम 10-15 गुना उसकी कीमत बढ़ जाती है. ऐसे ही सेब है, सेब का जो ए ग्रेड होता है वो काफ़ी अच्छे से वहाँ से आ जाता है क्रॉप, लेकिन जो बी ग्रेड मीन्स सेब खराब नहीं है लेकिन सेब का साइज छोटा है या फिर उस पर कोई ओले का स्पॉट आ गया, तो सेब की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जस्ट द वे इट लुक्स, उसके लुक में चेंज है और वो इसकी वजह से प्राइस नहीं मिलता है, लेकिन किसान ने तो उतनी मेहनत की थी. नाउ वी बाय दैट और हम उसका सेब की चटनी बनाते हैं, जैम बनाते हैं, और इसी के रिगार्डिंग मतलब ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हमारे जाते हैं. प्लस इनमें हम कोई थिकनिंग एजेंट यूज़ नहीं करते. एक हमारी पॉलिसी है कि हमारी फैक्ट्री से वही प्रोडक्ट निकलेगा जो मैं अपने बच्चे को खिला सकती हूँ. तो आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट देखिए, आप उसमें सटल कुछ वर्ड पढ़ेंगे, जैसे इमल्सीफायर, जैसे राइजर, या लिखा होता है टेक्सचर, टेक्सराइजर, ये वर्ड होते हैं, या कुछ कोड लिखे होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं उसमें पेक्टिन, जो मतलब पेक्टिन फ्रूट्स में भी मिलता है लेकिन एक लैब में बना हुआ केमिकल, वो बहुत अलग इम्पैक्ट रखेगा बजाय उसके जो ओरिजिनल है. जैसे एप्पल में और नींबू में नेचुरल पेक्टिन होता है और जो काफ़ी अच्छा होता है जमाने के लिए. तो जो हमारा जैम और चटनी होता है उसमें हम कोई थिकनिंग एजेंट नहीं डालते हैं और वो नेचुरली जैसा पल्प है उसको मैक्सिमम हम उसकी 80% उसको बना के रखते हुए प्रोडक्ट करते हैं. तो वो काफ़ी अच्छे हमारे मार्केट में जाते हैं और उसी को बेसिस करके अभी उत्तरकाशी से ही हमारी जो यूनिट है युवा हिमालय वो 1 District 2 Products में लिस्ट हुई है. तो हम 1 District 2 Products में भी काम कर रहे हैं. और जो स्क्वैशेस हैं, स्क्वैशेस भी हमारे काफ़ी पसंद किए जाते हैं और दिल्ली, हल्द्वानी, गाज़ियाबाद और इवन गुजरात तक ये डिलीवर होते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें उनका मिलता है. तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? हाँ जी, हम लोग जैसे लोकल में तो खुद भी सप्लाई करते हैं, B2B भी करते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर भी करते हैं, और बाकी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे पिकल्स या चटनी वगैरह जो जा सकते हैं, तो पोस्टल सर्विस से ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया चलते हैं. एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं तो अभी आप इतने प्रोडक्ट्स जो आपने बताया बहुत अच्छे आप प्रोडक्ट्स बना भी रही हैं और एक अच्छी रेंज है आपके पास, फ्यूचर में इसको कहाँ तक ले जाने का है, क्या सोचा है फ्यूचर के लिए? मैम फ्यूचर का अभी जो हम देख रहे हैं, अभी हम जो अभी मैंने बताया 1 District 2 Products में लिस्ट हुए हैं, तो अभी हमारा काफ़ी ऑटोमेशन में फैमिली आई है यूनिट और अब हम सोच रहे हैं कि पल्पिंग, नेक्स्ट पल्पिंग में जाया जाए. बहुत सारी चीज़ें हैं, या ड्राई वेजिटेबल्स,
उसमें आया शायद। अभी जैसे लिंगड़ा एक वेजिटेबल है, उसका हम पिकल अभी करते हैं, लिंगड़े का पिकल भी हमारा ईयर अराउंड चलता है। तिमला है, तिमला इज़ फॉरगॉटन, मतलब हिमालयन फिग बिल्कुल उसको कोई यूज़ ही नहीं करता है, जबकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है। सेमल है, उसको कोई यूज़ नहीं करता है, जबकि वो आपके अर्थराइटिस वगैरह में बहुत यूज़ होता है। तो हम इन सबका पिकल अभी जो बनाते हैं, अब हम सोच रहे हैं पिकल के साथ इनको ड्राई वेज फॉर्म में भी लेके आए नेक्स्ट। और अभी युवा हिमालय का एक नया शुरू हो रहा है, बेकरी का प्रोडक्ट शुरू हो रहा है, तो हम मिलेट बेस्ड कुछ प्रोडक्ट बेकरी के थ्रू लाएंगे। एंड होपिंग कि मतलब हम कुछ और चीज़ें वहाँ पे नई शुरू कर पाएँ, या किसी की हैंड होल्डिंग भी अगर चाहिए, हैंड होल्डिंग भी किसी को करना है, तो हम वहाँ पे फैसिलिटेशन दे पाएँ नए एंटरप्रेन्योर्स को, नए पर्सन्स को जो आना चाहते हैं और जिनको एक हैंड होल्डिंग चाहिए। तो हम वहाँ पे एक हब ऑफ इंडस्ट्रीज़ इस तरह से देखते हैं कि आने वाले 10-15 साल में कम से कम 4-5 यूनिट नई होनी चाहिए, और पहाड़ का प्रोडक्ट अब मार्केट में आना चाहिए पहाड़ के नाम से। ये बहुत बहुत अच्छी सोच के साथ आप चल रहे हैं। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी, क्योंकि आप इतने टाइम से 10 साल आपको इस बिज़नेस में हो गए हैं और बिल्कुल रिमोट एरिया है, मैं तो रिमोट ही है, तो आपको सबसे बड़ी मतलब आपने सारी चीज़ों पे डिस्कशन कर दिया, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको कभी वाकई में चैलेंजिंग लगी हो, भले ही आपने वो शॉर्ट आउट कर लियो, बट ऐसी क्या कभी कोई रही है? मैम अभी भी है, मतलब लोगों को समझाना कि वाई अ क्वालिटी प्रोडक्ट इज नेसेसरी, आप क्यों उसमें ज़्यादा पैसा लगा के क्वालिटी प्रोडक्ट दो, ये समझाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब किसी एंटरप्राइज को इनिशिएट करना तो आसान है, लेकिन क्वालिटी सस्टेन करना, मेंटेन करना, जो आपकी ब्रांड वैल्यू बनाता है। और उत्तराखंड में अभी तक आप कहीं भी किसी भी एरिया में जाएं, आप उत्तराखंड आने वाले किसी टूरिस्ट को पूछे उत्तराखंड से क्या लेके गए, ही डजंट हैव आंसर। आप जयपुर जाइए, आपको बाटिक मिलेगा, आप यहाँ गुजरात जाइए, आपको कच्छ का सामान मिलेगा, आपको कढ़ाई मिलेगी तरह तरह की, आपको क्लॉथ मिलेगा अहमदाबाद में, लेकिन आप उत्तराखंड आइए आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है? हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, रेसिपीज़ हैं, चीज़ें हैं, फिर बाहर क्यों नहीं आई? हमारी ज्वेलरी इतनी एंटीक है, इतने अच्छे से चलती है, लेकिन सिर्फ हमारे कल्चर तक है। हम अपने कल्चर से, मतलब उत्तराखंड में भी मिक्सेस ऑफ कल्चर है, लेकिन तब भी दूसरे कल्चर को कभी आपने नथ पहने देखा है? वी हैव नॉट बीन एबल टू डू दैट। ये मुझे काफ़ी पेनफुल लगता है, मतलब सिर्फ अपने बिजनेस में ही नहीं, कई सारी चीज़ों में एक एज अ सोसाइटी हम नहीं डेवलप कर पाए, एज अ स्टेट हम नहीं इम्पैक्ट छोड़ पाए। तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके यही एक चल रही हूँ कि उत्तराखंड से रिलेटेड चीज़ अगर आए, मतलब वो मेरा हो, वो किसी और का हो, लेकिन उत्तराखंड का प्रोडक्ट कहीं तो लाइन पे आए, कहीं तो सामने आए, तो हम उसको एक वो चीज़ मुझे चैलेंजिंग लगती है कि जिसको अभी तक हम मिटिगेट नहीं कर पाए। और जो आपने कहा कि कोई ऐसा चैलेंज जिसको मिटिगेट कर पाए हो, वो यही था क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि हम पिछले 10 साल से FSSAI के सारे टेस्ट करा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स पे आपको उनका न्यूट्रिशनल एनालिसिस मिलेगा, जिसके लिए हम डेली प्रोडक्ट भेजते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आती है और तब हम प्लेस कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, मतलब जिनके सारे आप निकाल रहे हैं प्रोडक्ट, उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। लिंगुड़ा है, मैक्सिमम आप लिंगुड़ा बोल रहे हो, नहीं पता है, द मोमेंट यू विल से फिडल हेड फर्न, 10 और लोगों को पता लगेगा क्या चीज़ है। आप तिमला 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 बोल रहे हो, नहीं समझ में आएगा। तो आपको मतलब अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, और वो एक चैलेंज है जिसको हम थोड़ा अपने ब्रांड के थ्रू कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखिए हमारे ब्रांड्स में ये जो प्रोडक्ट हैं हमारे, इनमें मैंने एक चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है कि पहाड़ी लेडी दी है। आप अगर ये बॉटल ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाए, तो एटलीस्ट वो उसका अटायर देख के ये तो समझ सकता है ये कहाँ का प्रोडक्ट है। हाँ, ये पहाड़ से है, ये पहाड़ से है, उसको वो विजिबिलिटी होनी चाहिए। अब उसके बाद वो फ्रूट के बारे में तो गूगल पे भरा पड़ा है, लेकिन पहले उसे रिकॉग्निशन तो हो ये चीज़ है कहाँ की, ओरिजिनल वाला है इसका। हिमालय, वो हिमाचल के आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हिमाचल के फ्रूट बेवरेजेस आपको ट्रेन्स में सर्व होते मिलेंगे, उत्तराखंड उसमें पिछड़ गया। तो एक ये है कि हम अपनी राजशाही पे कह सकते हैं, अपनी सरकारों पे कह सकते हैं, दे वर नॉट विलिंग टू, और उन्होंने नहीं किया और नहीं कर पाए। और दूसरा चीज़ ये है कि हम आगे आ सकते हैं कि उनका भी फोकस जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मशीनरी काम नहीं करती, बट इतना एंटायर सिस्टम होता है संभालने के लिए। तो अगर हम आगे आएंगे, जैसे अगर हम अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो हम 1 District 2 प्रोडक्ट में लिस्ट हुए हैं। ऐसे ही अगर हम इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाए, कहीं से मेरी ये बात आगे जा सके कि हम अपनी इमेज को प्रोजेक्ट करें, अब उत्तराखंड को प्रोजेक्ट करें, मतलब मेरा या तेरा ना करके हम उत्तराखंड को प्रोजेक्ट करें, उत्तराखंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ दैट।
तो चीज़ें आगे आ पाएंगी और फिर हम शायद अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से एक पहचान दिला पाएंगे जिसके हम हकदार हैं। हमने अपनी रीजनल चीजों को रीजन तक ही रखा है। हम खुद ही शर्माते हैं। आप खुद देखिए, मतलब हमारे घर पे कोई आता है तो वी विल जनरली सर्व के, अच्छा कोल्ड ड्रिंक ले आओ। हम ये नहीं कहेंगे स्क्वैश सर्व कर दो। क्यों? हम खाना बना रहे हैं तो हम कहेंगे अच्छा आज बिरयानी बनाते हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि आज झंगोरा बनाते हैं? क्या आप झंगोरे की बिरयानी नहीं बना सकते? दैट इज़ जस्ट इन योर माइंड। आपने उसे पहले ही लो ग्रेड फील कर लिया है और जबकि सारी दुनिया चला रही है मिलेट 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 मिलेट, तो हम झंगोरे को क्यों नहीं इस तरह से प्रेजेंट करते हैं? और हमारी मतलब एक समझ बन चुकी है कि हमारी चीज़ें ना हम दिखाने में हिचकिचाते हैं। बाहर जाइए, आप राजस्थान जाइए, आप कितने अच्छे रेस्टोरों में हो, कितने अच्छे घर में हो, कितना महंगा पैसा दिया है आपने, वो आपको सर्व करेंगे गट्टे की सब्जी, केर सांगरी की सब्जी, आपको स्वाद नहीं आएगा। लेकिन आप कह के निकलेंगे अरे वाह बड़ा अच्छा खाना था, क्योंकि कैसे कहेंगे कि नहीं समझ में नहीं आया। लेकिन हम किसी को लिंगड़े की सब्जी नहीं खिला सकते, हमें शर्म आती है, हम कचनार नहीं खिलाते हैं। मैक्सिमम मुझे लगता है हमारे जो 20 साल तक के बच्चे हैं अब उनको नहीं पता है कि ये चीज़ें क्या हैं और कैसे बनती थी। बाड़ी एक ऐसा है जो पौड़ी में मंडवे का बनता है। मेरे जो भाई बहन 28 पे भी हैं ना, शायद उन्होंने भी नहीं खाया है। तो ये एक हमारे सेटबैक है, हम अपनी चीज़ें दिखाने में शर्म फील करते हैं और जब हम शर्म फील करते हैं तो उसको कोई नहीं एलिवेट कर सकता है। आपको वो चीज़ें दिखानी भी आनी पड़ेंगी, बनानी भी आनी पड़ेंगी और आपको उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, आपको रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी। आपके घर में अगर कोई अनपढ़ है और आप सब बहुत पढ़े लिखे हैं तो क्या आप उसे घर में छोड़ देंगे? और अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपकी फैमिली यूनिट क्या रह जाएगी? वही एक स्टेट के साथ होता है कि आपको अपनी वैल्यू, अपनी एजुकेशन की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी उन चीज़ों को उठाने में जो पीछे रह गई। बट अभी मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से हम लोग फिर भी फोकस हो रहे हैं अपने उत्तराखंड की चीज़ों के प्रति और इसके कुजीन के प्रति। अभी थोड़ा सा पूरी तरह नहीं हुआ है जहाँ होना चाहिए था, अप टू द मार्क तो नहीं कहूँगी मैं, बट एक इनिशियल लेवल पे हम इनिशिएट शायद कर चुके हैं, कुछ लोग से मेरी बात हुई है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी क्योंकि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और जहाँ लोग कतराते हैं बहुत सारे मतलब कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए, वीकनेसेस क्या होती हैं एक पहाड़ पर बिजनेस करने की, जो मैंने आपसे पूछी भी, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो अभी भी काफ़ी लोग होंगे जो ये सारी कैलकुलेटिव होते हैं बिजनेस के प्रति, क्योंकि आप कम्युनिटी, जो आपने कहा था कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप को आप माइंड में था तो शायद आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार हुई, लेकिन अभी भी जो प्योर बिजनेस माइंड के हैं उनको ये सारी कॉस्टिंग कैलकुलेशन ये काम करेंगी। अगर फिर भी कोई बट कोई युवा फिर भी आना चाहता है इस बिज़नेस में तो क्या आप उसको मोटिवेशनल क्या कहेंगी? मैं पहले एक चीज़ कहूँगी कि कभी दूसरे को देख के अपनी लाइन मत डिसाइड कीजिए, पहले खुद की, मतलब कम्युनिटी तो बाद में है, पहले खुद की स्ट्रेंथ, जो मैंने कहा कि जो हमारी बचपन से कंडीशनिंग हुई थी अपने डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, मतलब फेल्योर इज़ ऑल्सो अ डिसीजन, फेल्योर भी एक कॉन्सिक्वेंसेज है, लेकिन उसको आप लेते किस तरह से हैं वो लेना, बस उसको आपने किस तरह से लिया, एक्सपीरियंस ले लिया तो वो हेल्प करेगा, सेटबैक ले लिया तो वो आपको पीछे कर देगा। वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, पहले अपनी स्ट्रेंथ पर काम कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सेकंड, आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जिस काम को आप कर रहे हैं, क्या वो आपकी अपनी जगह है? अगर आप अपने घर से बाहर जाके कर रहे हैं तो फिर शायद आपको ज़्यादा ओरिएंटेड होना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि जब आप अपने घर पर होते हैं ना एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, एक फैमिली का आपको सपोर्ट होता है, और कई बार ऐसा होता है कि फैमिली को समझ में नहीं आ रही होती, जैसा हमारे साथ भी हुआ है। मतलब दो आज फैमिली साथ है, बट इनिशियली वी वर क्वेश्चन बाय द फैमिली, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अच्छी खासी पे छोड़ के और फिर ये काम शुरू करोगे? मतलब हमारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ थे, जो जानते थे कि हम एक दिन इस तरफ आएंगे, दे हैव क्वेश्चन कि तुम जैम बनाओगे, जेली बनाओगे, चटनी बनाओगे, कौन खरीदेगा? तो वो चीज़ का आंसर करने का कि भाई पहले तुम खरीदोगे, पहले तुम फ्रेंड हो, तुम्हें आगे ना पड़ेगा, मतलब वो आपको थोड़ा सा करेज चाहिए। सेकंड, अपने रिसोर्सेस, आपके रिसोर्सेस क्या हैं? दूसरा, आपके साथ अगर छोड़ दे उस टाइम पे आप उसको कैसे चलोगे? वो प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। मतलब बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पैसे में कैलकुलेट किया कि इतने का बनेगा, इतने का बिकेगा और साल भर में इतना आप अर्न कर लेंगे। यू शुड हैव कैलकुलेटेड दोस थिंग कि अगर प्लान ए नहीं वर्क किया तो फिर मुझे किस तरफ चलना है। और वो अगर आपका क्लियर एक बार हो गया कि अगर मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ उस स्थिति में मैं इसको कैसे करूं, तो आपका बिजनेस चाहे कोई भी काम हो वो सक्सेस ले लेगा। हाँ, स्ट्रगल लंबा होता है। और दूसरी चीज़ होती है, बिजनेस शुरू करना आसान होता है,
एक स्टेज के बाद उसको पुश करना टफ होता है। जैसे शुरू में आप 10,000 का काम करें उसे 1,00,000 तक ले जाएंगे, लेकिन 1 से 5,00,000 करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। 5 के बाद फिर जर्नी आपका एक्सपीरियंस हो जाती है। तो वो एक्सपीरियंस के टाइम पे खुद को होल्ड करके रखना, होपलेस नहीं होना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो ऋचा जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। और एक चीज़ मुझे और समझ आती है कि हमारे लोग अगर कोई खुद में जैम जेली और जूस का बिज़नेस करते हैं तो हम उनको बहुत ज़्यादा, आपने भी देखा होगा शायद कि वो नहीं, हमारा वो एफिलिएशन नहीं होते हैं, लेकिन अगर डाबर का हनी आ रहा है, डाबर का जूस आ रहा है, क्योंकि डाबर आज एक ब्रांड बन गया, तो वो हम बड़ा गर्व से बताते हैं हमारे यहाँ डाबर का ये है, डाबर के वो प्रोडक्ट हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमको अपने घर से शुरू करना चाहिए। और अगर हमारे बीच की कोई लेडी इस तरह से कर रही है तो वाकई हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगे आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं आपके बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बैठने के लिए और हमें इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। थैंक यू मैम। इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं भी अपनी बात कह पाई और हमारे प्रोडक्ट्स के साथ साथ, मतलब ये चीज़ मुझे भी अच्छी लगी जो आपने भी कोट किया कि अब लोग थोड़ा थोड़ा अपनी कम्युनिटी के लिए अवेयर हैं एंड नाउ, मतलब हम लोगों को शायद एक साथ हाथ पकड़ के चलने की ज़रूरत है बजाय अकेले अकेले खींचने के। सब लोग एक साथ चलेंगे तो बहुत जल्दी हम बहुत अच्छी जगह पर पहुँच जाएंगे। हम इंटरनेशनल और जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं उनको बाद में देखें, अगर वही चीज़ हमारे लोकल लेवल पे बन रही है तो हमें लोकल को पहले प्रमोट करना चाहिए। उसमें लोकेलिटी है, उसकी सारी चीज़ें आपके आसपास से आई हैं तो आप उसके बारे में ज़्यादा अवेयर हैं। और जब आप अपनी चीज़ें लेते हैं तो आप सिर्फ उस प्रोडक्ट वाले को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ जो अदर कम्युनिटी जुड़ी है और उसको देख के कोई और कहीं और शुरू कर रहा होगा। हमने अगर ये जर्नी शुरू की तो कहीं ना कहीं हमारे सामने भी कुछ एग्जाम्पल थे, उनको देख के हमने शुरू की। तो वो एग्ज़ाम्पल अगर नहीं होते, वो अगर इसी डर से या किसी के सपोर्ट ना करने की वजह से बंद हो चुके होते, शायद हमारी भी हिम्मत नहीं होती। तो आप अपने लोकल प्रोडक्ट लीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, अपने आसपास कुछ भी काम जो कर रहा है, और स्पेसिफिकली महिला अगर कोई है उसे पढ़ने में मदद कीजिए, उसे बढ़ने में मदद कीजिए, और मेल को भी करेज की ज़रूरत होती है। तो ये कभी नहीं होना चाहिए कि अच्छा बताओ इनके दिमाग में फितूर भरा पड़ा है, क्या पता किसी का फितूर किसी के लिए बहुत बड़ा एडवेंचर हो। तो आप उसको सपोर्ट कीजिए और उसको पुश करने में हेल्प कीजिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वाली जो हमारी वार्ता थी ये काफ़ी पसंद आई होगी। और बीइंग अ लेडी और वो भी दूरस्थ एक गांव में जाकर इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में आना, उसको चैलेंज की तरह लेना और फिर आज सक्सेस भी होना उसमें, ये वाकई एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है। और आप ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इस तरह से प्यार और स्नेह देने के लिए आप सभी लोगों का हमेशा की तरह तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।